आपने देखा और पढ़ा होगा भारत में तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक विशेष वर्ग स्वतंत्र वीर सावरकर और सरदार भगत सिंह को एक दूसरे के सामने खड़ा करने का प्रयास करता है। ऐसा करते समय उनकी नीयत साफ नहीं होती, मन में बहुत मैल रहता है। दरअसल वे स्वतंत्र वीर सावरकर को कमतर दिखाने का और उनका अपमान करने का प्रयास चेष्टा कर रहे होते हैं। लेकिन सूरज से भी भला कोई आंखें मिला सकता है क्या? दो महापुरुषों क्रांतिकारियों की तुलना करके ऐसे लोग अपने ओछेपन को ही उजागर कर रहे होते हैं। ऐसा करते समय उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि दोनों क्रांतिवीर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। आज हम वीर सावरकर और सरदार भगत सिंह के आपसी संबंधों पर बात करेंगे, उनके आपसी संबंधों को टटोलने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कैसे भगत सिंह क्रांति की राह में वीर सावरकर के प्रति आदर का भाव रखते थे और सावरकर भगत सिंह के प्रति कितना आत्मीय लगाव रखते थे। दोनों ही प्रखर बौद्धिक साहित्य विश्व साहित्य का अध्ययन करने वाले, दोनों ने ऐसे साहित्य की रचना की जो क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहे नौजवानों के पथ का प्रदर्शन करने वाला साहित्य है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भाड़े के इतिहासकारों को ठेका दिया था कि 1857 के स्वतंत्रता समर को सिपाही विद्रोह घोषित कर दिया जाए या सिद्ध करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि क्रांति की यह आग तेजी से भारत में फैले और उसके विरुद्ध एक बार फिर संगठित प्रयास हों। अंग्रेजों के इशारे पर भारत के पहले संगठित स्वतंत्रता आंदोलन को सिपाही विद्रोह बताया जा रहा था। तब प्रखर मेधा के धनी सावरकर ने तर्कों और तथ्यों के साथ 1857 का स्वतंत्र समर जैसा महत्वपूर्ण प्रेरणादायी ग्रंथ तैयार किया। यह ग्रंथ क्रांतिकारियों के लिए गीता बन गया। अंग्रेजों ने इस पुस्तक को प्रकाशित होने से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया। दुनिया की एकमात्र किताब है, पुस्तक है, जिसे प्रकाशन से पूर्व प्रतिबंधित किया गया हो। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सरदार भगत सिंह इस पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं रत्नागिरी जाकर के वीर सावरकर से इसके प्रकाशन की अनुमति मांगी। भगत सिंह ने वीर सावरकर की पुस्तक को ब्रिटिश नजरों से, ब्रिटिश सरकार से छुप करके उसको प्रकाशित कराया और क्रांतिकारियों के बीच में पहुंचाया। इस पुस्तक से भगत सिंह कितने प्रभावित थे, इसको उनके करीबी सहयोगी राजाराम शास्त्री ने विस्तार से अमर शहीदों के संस्मरण पुस्तक में लिखा है। वे लिखते हैं, वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वतंत्र समर पुस्तक से भगत सिंह को बहुत अधिक प्रभावित थे, वे उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। यह पुस्तक सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। मैंने इस पुस्तक की खूब प्रशंसा सुनी और इसे पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा थी। पता नहीं भगत सिंह को यह पुस्तक कहां से प्राप्त हो गई थी। एक दिन वे इसे मेरे पास ले आए। मैंने उनसे यह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 36 घंटे के लिए किताब मैं तुमको दूंगा, क्योंकि मैंने जिससे ली है उसे मुझे लौटानी है। राजा राम शास्त्री ने पुस्तक वापस की तो वो भगत सिंह उनसे बोले, यदि तुम कुछ परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाओ, तो थोड़ी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम इस पुस्तक को गुप्त रूप से प्रकाशित कर सकते हैं और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। वीर सावरकर और सरदार के इस बौद्धिक और क्रांतिकारी रिश्ते का एक और रोचक अध्याय है जिसे छिपाया जाता है। बुद्धिजीवियों का यह खेमा बार बार यह तो बताता है कि भगत सिंह कम्युनिस्ट लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे जेल में, लेकिन यह नहीं बताते कि सरदार भगत सिंह जब जेल में बंद थे तब वीर सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर और हिंदू पदपादशाही का भी अध्ययन कर रहे थे।
लाला लाजपत राय और रविन्द्रनाथ ठाकुर सहित अन्य दूसरे विद्वान लेखकों की किताबें भी वे पढ़ रहे थे। भगत सिंह वीर सावरकर की पुस्तक को न केवल पढ़ रहे थे बल्कि उन्होंने हिंदू पदपातशाही से प्रेरणादायी नोट्स भी लिए थे। उन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक से क्या नोट लिए उसे आप भगत सिंह की जेल डायरी में पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपको खोजने पर मिल जाएगी, हिंदी में भी अवेलेबल है। भारत के पहले संगठित स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति पर लिखी गई इस पुस्तक को न सिर्फ भगत सिंह ने बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने भी आजाद हिंद फौज के सैनिकों में प्रेरणा भरने के लिए उसको प्रकाशित करवाया था। कई बार प्रश्न आता है कि विनायक दामोदर सावरकर को वीर की संज्ञा किसने दी। उन बुद्धिजीवियों की खोज कहती है कि सावरकर के लिए वीर विशेषण का उपयोग किसी ने नहीं किया। तब उन्हें एक बार फिर भगत सिंह को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनका लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला के 15 और 22 नवंबर 1924 के अंकों में भगत सिंह के लेख प्रकाशित हैं। विश्व प्रेम शीर्षक से प्रकाशित लेख में भगत सिंह कहते हैं, विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी कट्टर अराजकतावादी कहते हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वह वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते हैं, कोमल घास पैरों तले आ जाएगी। बलवंत सिंह के छद्म नाम से लिखे गए इस लेख में वीर सावरकर के लिए जिस प्रकार का भाव सरदार भगत सिंह का है उसको पढ़कर शायद ही सावरकर के अपमान को आतुर बुद्धिजीवियों को शर्म आए। एक और बात स्पष्ट समझ लीजिए कि सरदार भगत सिंह सावरकर को वीर उस समय लिख रहे थे, वीर उस समय संबोधित कर रहे थे जब इन बुद्धिजीवियों के अनुसार सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर काला पानी की सजा से मुक्त होकर रत्नागिरी में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। याद रखें उस समय वीर सावरकर पर अंग्रेजों ने कड़ा पहरा बिठा रखा था, नजरबंदी कर रखी थी, उन्हें रत्नागिरी से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। भगत सिंह सिर्फ इतना ही नहीं लिख रहे थे सावरकर के लिए, कर्जन वायली को मौत के घाट उतारने वाले क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा और स्वातंत्र वीर सावरकर के संबंध में भी भगत सिंह क्या लिखते हैं ये देखने की आवश्यकता है। स्वदेशी आंदोलन का असर इंग्लैंड तक पहुंचा और जाते ही श्री सावरकर ने इंडिया हाउस नामक सभा खोल दी। मदनलाल भी उसके सदस्य बने। एक दिन रात को श्री सावरकर और मदनलाल ढींगरा बहुत देर तक मशवरा करते रहे। अपनी जान तक देने की हिम्मत दिखाने की परीक्षा में मदनलाल को जमीन पर हाथ रखने के लिए कहकर सावरकर ने उसमें सुआ गाड़ दिया, लेकिन पंजाबी वीर ने आह तक नहीं भरी, सुआ निकाल लिया गया। दोनों की आंखों में आंसू आए, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आह वह समय कैसा सुंदर था, वह अश्रु कितने अमूल्य और अलभ्य थे, वह मिलाप कितना सुंदर कितना महिमामय था। हम दुनियादार क्या जाने, मौत के विचार तक से डरने वाले हम कायर लोग क्या जाने कि देश की खातिर कौम के लिए प्राण देने वाले लोग कितने ऊंचे कितने पवित्र और पूजनीय होते हैं, कितने पूजनीय होते हैं। ये सरदार भगत सिंह लिख रहे हैं वीर सावरकर के लिए। यह तो सरदार भगत सिंह लिख रहे थे स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि सावरकर क्या कर रहे थे। अक्सर ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि भगत सिंह के लिए सावरकर ने एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द नहीं बोला। परंतु मित्रों, यह बाकी के झूठों की तरह यह झूठ भी निराधार है, सफेद झूठ है।
पाखंडी विद्वानों की तरह इस तरह का ऐसा कोई प्रश्न संदेह उस समय की अंग्रेज सरकार के मन में भी नहीं था। अंग्रेजों को पूरा विश्वास था कि क्रांतिकारी जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई, तब उनको पूरा विश्वास था अंग्रेजों को कि भगत सिंह की इस फांसी के विरोध में क्रांतिकारी अवश्य ही कुछ करेंगे। उस समय अंग्रेजों ने पुलिस को रत्नागिरी भेजा सिर्फ ये जानने के लिए कि उस समय सावरकर क्या कर रहे हैं। रत्नागिरी में वीर सावरकर के घर पर हमेशा भगवा झंडा फहराया जाता था, लेकिन जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, उसके अगले दिन उनके घर पर काला झंडा फहरा रहा था। जब पुलिस वाले वीर सावरकर के घर पहुंचते हैं, तलाशी लेते हैं, तब सावरकर स्वयं ही उन्हें वो नोटबुक दे देते हैं, नोटपैड दे देते हैं, जिस पे उन्होंने भगत सिंह के लिए एक लेख और क्रांतिकारी की शान में एक कविता लिखी हुई थी। लेकिन पुलिस वाले ये देख नहीं पाते और वो खाली हाथ लौट जाते हैं। क्रांतिवीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर सावरकर ने जो पीड़ा हुई उसकी अनुभूति उनकी कविता में, जो उन्होंने लिखी थी उस कविता में पढ़कर आप समझ सकते हैं। आज भी वह कविता रोंगटे खड़े कर देती है। हा भगत सिंह हाय हा, चढ़ गया फांसी पर तू हमारे लिए हाय हा, राजगुरु तू हाय हा, वीर कुमार राष्ट्र समर में हुआ शहीद हाय हा, जय जय हा। ये कविता उन्होंने मराठी में लिखी थी, जिसे उस समय भगत सिंह के लिए निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों में भी नौजवान लोग, बच्चे, बूढ़े गाया करते थे। सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर की तुलना करते हुए यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह फांसी से डरे नहीं, जबकि सावरकर माफी मांगकर जेल से बाहर आ गए। यह इतनी अतार्किक तुलना है कि इस एक तुलना से ही उनका बौद्धिक दिवालियापन उजागर हो जाता है और उनके बौद्धिक पाखंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि सरदार भगत सिंह जब असेंबली में बम फोड़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने तभी तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए। वे अपने बलिदान से, अपनी फांसी से जो क्रांति की लौ देश में जल रही थी, उसे और तेज करना चाहते थे। इसलिए बम फेंकने के बाद उनके पास भागने का अवसर था, लेकिन वे भागे नहीं और पुलिस की गिरफ्त में आए। उसके बाद उनके पास कानूनी अधिकार भी था अपना मुकदमा लड़ने का, लेकिन वो उन्होंने उस रास्ते को भी नहीं चुना, क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले दिन से अपने लिए फांसी का फंदा चुन लिया था। जबकि वीर सावरकर क्रांतिकारी के साथ साथ बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, उन्होंने अपना समूचा जीवन 8x8 की अंधेरी कोठरी में व्यर्थ ही बिताने की जगह काला पानी से बाहर आने के लिए कानूनी विकल्प का उपयोग करने का निश्चय किया। बाहर आने के बाद वे देश हित में कुछ कर सकते थे, उस काल कोठरी में नहीं। वीर सावरकर को यह सुझाव स्वयं महात्मा गांधी ने भी दिया। ऐसे लोगों को महात्मा गांधी जी के संबंध में सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा महात्मा गांधी जी का भी अध्ययन करना चाहिए कि वे सावरकर को काला पानी से मुक्त कराने के लिए कितना प्रयास कर रहे थे। महापुरुषों को एक दूसरे के वर्क्स खड़ा करने का प्रयास करने वाले कुटिल लोग, उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत के लोग अब पहले से अधिक जागरूक हैं। वे अपने महापुरुषों को इस तरह के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। उनके लिए स्वतंत्र वीर सावरकर और सरदार भगत सिंह दोनों ही भारत माता के सच्चे बेटे हैं, सपूत हैं, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए समर्पित कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस विस्तार से चर्चा से आपको यह ध्यान आया होगा कि दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे का सम्मान करते थे, वे कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हुए।
दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में लिखा, पढ़ा, बोला। यह बात जो देशभक्त लोग हैं वो समझते हैं, बाकी तो फिर आप जानते ही हैं कि कुछ लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करते हैं।